गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे जुड़ता हुआ। मैं मेरे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय मजहर भाई सीनियर क्रिकेटर, जिन्होंने 10 वर्षों तक रणजी ट्रॉफी को रिप्रेजेंट किया यूपी में और लखनऊ से तो किया ही किया, क्योंकि लखनऊ के एक बहुत ही सीनियर क्रिकेटर। तो मैं एक पहचान मजहर भाई के आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी पुरानी यादों में आपको ले जा रहा हूँ। उन पुरानी यादों में लखनऊ का क्रिकेट कैसे होता था, लखनऊ में लोग कैसे खेलते थे, कैसे क्या एटमॉस्फेयर था, वो सब चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ। आज बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन उस समय भी यही खिलाड़ी हुआ करते थे, आज भी खिलाड़ी है। उस समय भी क्रिकेट था और आज भी क्रिकेट है। तो आज का हमारा वीडियो मजहर भाई, मैं चाहूँगा कि एक तो आप अपने 10 वर्षों का संस्मरण, रणजी ट्रॉफी का कोई ऐतिहासिक मैच जो आपने खेला हो वो बताएं, और बच्चों एक बात बता दूं, लखनऊ क्रिकेट में एक शीश महल क्रिकेट टूर्नामेंट होता था ऑल इंडिया, गर्मियों में होता था और बहुत दूर दूर से टीमें आती थी। हमारे जितने सीनियर क्रिकेटर होते थे, चाहे टेस्ट प्लेयर हो, रणजी ट्रॉफी हो, वो सब उस टूर्नामेंट में खेलने आते थे। वो एक इतिहास था लखनऊ का। तो मैं उसके बारे में भी मजहर भाई से कहूँगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बच्चों को बताइए। थैंक यू पीयूष। लखनऊ में बहुत से ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते थे। एक तो उसमें से सबसे टॉप पे रहता था शीश महल क्रिकेट टूर्नामेंट, समर टूर्नामेंट होता था ये, और ये पूरे नॉट ओनली लखनऊ बट आल्सो इट इज़ फेमस इन ऑल ओवर इंडिया। कि तो बाहर की भी टीमें से सब आती थी और बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता था। तो उस ज़माने में तो ये सब कहा भी जाता था, और यहाँ के परफॉर्मेंस से बहुत से खिलाड़ी ने इंडिया टीम में कमबैक किया है या उनका नया सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यहाँ पे मजहर भाई की बात को बिल्कुल समर्थन दे रहा हूँ, और एक बात बता दूँ, उसकी प्रेस कवरेज, आप लखनऊ में रन कर रहे हैं और बॉम्बे के न्यूज़पेपर में वो कवरेज छपती थी, तभी आप इंडिया खेलते थे। तो वो प्रेस कवरेज ही उस टूर्नामेंट को महान बनाती है। प्लीज बता। बिल्कुल सही बात है कि वो हमारे बॉम्बे के जो खिलाड़ी रहे हैं, तो वो अक्सर जब मुलाकात होती थी तो कहते थे कि तुम्हारे शीश महल टूर्नामेंट का, यहाँ बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में तीन तीन कॉलम में न्यूज़ आती थी, जो कि बहुत बड़ी बात है कि तीन कॉलम में उस ज़माने में, और बॉम्बे का टाइम्स ऑफ इंडिया जी बॉम्बे का टाइम्स ऑफ इंडिया वैसी जैसे दिल्ली का हिंदुस्तान टाइम्स जी बहुत, इस वजह से उसके कवरेज की वजह से भी जो है खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस जो है काउंट किया जाता था मजहर भाई उनके सिलेक्शन में। वो टाइमिंग, क्या टाइमिंग होते थे, कैसे हम लोग ग्राउंड पे, क्या आप तो बहुत साल खेले हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में। शीश महल टूर्नामेंट की कई खासियत थी। एक तो वो मई जून में होता था, गर्मियों में बिल्कुल शदीद बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती थी, और उस वक्त वो मैच जो है सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता था। 6:30 बजे पहली गेंद डिलीवर हो जाती थी, तो आप समझ लिए डिसिप्लिन का क्या हाल है कि 6:30 बजे आप पहली गेंद फेंक दी जानी हो, और वहाँ पे भी खिलाड़ी कई बजे ग्राउंड पहुँचते होंगे कि अपना तैयारी करना, वार्म अप करना, और उसके बाद 6:30 बजे वो बिल्कुल इसमें कोई इफ बट नहीं होता था, और वो ऑलमोस्ट 12:30 बजे 1:45 बजे अब वो मैच उस दिन का ख़त्म हो जाता था। आपकी कुछ यादें होंगी, आपने परफॉर्मेंस किया होगा, प्लीज़ उसको भी हम लोगों से शेयर करिए। मैं तो बहुत शुरू से ही शीश महल टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया था। ये ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी टीम से ही खेलते थे, जिसमें लखनऊ की कोई टीम हो, चूँकि उसमें नंबर ऑफ क्लब्स की लोकल एंट्री नहीं मिलती थी, चाहे वो और जो भी टीम लखनऊ की होती थी उससे खेलने का मौका मिलता था। तो मैं तो ये हमारे पीयूष पांडे भी लखनऊ के DYA क्लब के मेंबर हैं बहुत शुरू से, और मैं भी पहला शीश महल टूर्नामेंट DYA से ही खेला था। क्या बात 79 में कॉलमेन तालुकेदार पे मैच हुआ, तो अभी उसकी मेरे पास पेपर कटिंग भी है। मैंने उस मैच में 5 विकेट लिए थे, और दिल्ली वो बॉम्बे की टीम करसन घावरी की आई थी। मजहर भाई जिस क्लब का जिक्र कर दिए, मैं उसी क्लब से खेला हूँ, DYA क्रिकेट क्लब से, और
लखनऊ का बहुत पुराना क्लब, 75 वर्ष उसने पूरे कर लिए हैं। हमारे बहुत से सीनियर क्रिकेटर, अशोक बॉम्बे साहब, हमारे और भी बहुत से सीनियर क्रिकेटर उस क्लब से खेले, नौटियाल सर, तो मैं उसी क्लब का हूँ और उसी क्लब की मजर भाई बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको उस बारे में थोड़ा बता दूँ। जी जी, तो अच्छा, मैं, मेरा अपना पर्सनल क्लब था लोकल या टूर्नामेंट्स खेलने में, ऑल इंडिया स्टेट टूर्नामेंट्स खेलने में, लखनऊ स्टारलेट्स क्रिकेट क्लब, उसको भी आज की तारीख में 45 साल हो चुके हैं। क्या बात है तो वो हमारे तो कुछ मजर भाई वो मैचेस की परफॉर्मेंस थोड़ा सा जो आप याद में हो। बहुत से हुए, तो उसमें से एक साल का हमारे लिए वो यादगार है, शीश महल का फाइनल, कि मैं सहारा 11 से खेला था, हमारे सहारा 11 टीम में जमाने के 5-6 कंट्री प्लेयर थे, अजय जडेजा, चेतन शर्मा, कीर्ति आज़ाद, अजय शर्मा, संजू शर्मा, ये सब थे। और हमारा मैच हुआ था अपेस फाइनेंस कंपनी से, उसमें भी बहुत से कंट्री प्लेयर थे, मनोज प्रभाकर, नवजोत सिंह सिद्धू, भास्कर पिल्लई जी, इस टाइप से उसमें भी बहुत से कंट्री प्लेयर थे, आजाद कप्तान हुआ जी करते जी थे, बहुत से इस टाइप से दोनों टीम बहुत ज़बरदस्त थी। तो उस मैच को 92 की बात है, तो तब इतना टीवी वगैरह वो नहीं था, यहाँ पे खाली यूपी में दूरदर्शन चैनल चलता था, तो वो चूँकि चीज महल टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अपने आप में अच्छे पावरफुल आदमी थे, अस्करी साहब वो भी क्लास वन ऑफिसर थे, तो उनके अपने ताल्लुकात से उन्होंने वो फाइनल मैच को दूरदर्शन के ऊपर पूरे यूपी में लाइव टेलीकास्ट कराया था। तो मैं उस वो वाला मैच खेल रहा था कि सहारा से, अब हम तो अकेले लखनऊ के खिलाड़ी थे सहारा टीम में, बाकी सारे खिलाड़ी उनके दिल्ली के और पंजाब वगैरह के थे, तो वो चूँकि हमारे, हम पीछे भी एक इंटरव्यू में बात कह चुके हैं कि हमारी वो किलर इंस्टिंक्ट रहती थी कि जितने अच्छी टीम हमारे अगेंस्ट है और मैं उतना अच्छा परफॉर्म करता था, तो उस फाइनल मैच में भी मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर में मैंने 32 रन दे के 4 विकेट लिए और मुझको मैन ऑफ द मैच मिला उस मैच का। तो पूरे यूपी ने वो मैच देखा था लाइव टेलीकास्ट, वो आज तक हमारी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है यूपी में, क्योंकि उस वक्त तो दूरदर्शन का खाली टीवी का यही माध्यम हुआ करता था, दूरदर्शन खाली, और वो चूंकि खाली यूपी में टेलीकास्ट हुआ था, तो आज भी पुराने लोग वो मैच को मिलते हैं तो उसकी यादों को ताज़ा करते हैं। ये हम लोग का एक प्रयास है आप लोगों से जुड़ने का, अपनी पुरानी यादों में जाने का, यादों के झरोकों से आपको अपनी पुरानी बातों को बताने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को जोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारे और भी सीनियर क्रिकेटर्स आपसे जुड़ते रहेंगे। मजहर भाई के साथ तो हमारा सत्संग रहता ही है, मैं इनसे बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ लाइफ में, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं जब रणजी ट्रॉफी में मेरा डेब्यू हुआ तो हमारे रूम पार्टनर थे, मुझे अब भी याद है कितना डिसिप्लिन से रहते थे, धर्म के प्रति इनकी आस्था बहुत अच्छी थी, अपना टाइमली उठना, तो एक एक खिलाड़ी बनने के लिए ऐसे नहीं 10 साल खिलाड़ी खेलता, उसके पीछे एक कहानी होती है कैसे वो आगे बढ़ता है। मैं मजर भाई से मैंने ये भी सीखा कि किस समय हम लोग को खाना खाना है, किस समय हमको रात को लाइट बंद करके सो जाना है, तो एक ये कहानी है, हम लोग अपनी कहानी आप लोगों को बताते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे ऐसे ही। प्लीज़ ओके, टेक केयर, बाय बाय।